फ्रेंड्स, हमारे ऑफिस में काफी बच्चों के फोन आते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि हमने स्टडी वीजे के बारे में जानकारी लेनी है, तो कैसे हम फ्री में स्टडी परमिट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं उनको जानकारी देने जा रही हूँ कि वो कैसे स्टडी परमिट के बारे में डिटेल में जानकारी फ्री में ले सकते हैं। तो वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ आपको मैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आप सबको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये सारी जानकारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए दी गई है। आप ये जानकारी कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca वहां जाकर आप डिटेल में ये सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आप विंडो में जाके टाइप करोगे गाइड 5269 अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा। जब वहां पर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश और फ्रेंच में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट आउट लेके आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे फ्री में सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबको अपडेट होना चाहिए। तो आप चाहे वीज़ा किसी से भी लगवाएं, किसी से अपनी फाइल लगवा रहे हो, लेकिन उसके बारे में आपको खुद भी जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि आपको सारा कुछ पता चल सके और कोई भी एजेंट आपके साथ धोखा ना कर सके। और स्टडी परमिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चे ने कम से कम प्लस टू पास की हो और प्लस टू में कम से कम 65% नंबर होना ज़रूरी है। आईलेट्स एकेडमिक में कम से कम 6 बैंड ईच मॉड्यूल में होना ज़रूरी है, और एकेडमिक मॉड्यूल में 7 बैंड चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है बच्चे ने, या नर्सिंग की हुई है, या इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनके लिए एकेडमिक मॉड्यूल में 7 बैंड पास होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए 7 बैंड। इसके ऊपर आगे बात करते हैं खर्चे की। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि कितना खर्चा हमारा आ जाएगा, तो इसका अनुमान मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन करवाई है उसकी फीस लगा लीजिए 8 से 10 लाख रुपये। 8 से 10 लाख रुपये आपकी फीस हो जाएगी, और 6 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट जो आपने शो करना है आपकी GIC हो जाएगी। और उसके बाद एयर टिकट का खर्चा आ गया, जो आप अपने कपड़े वगैरह खरीद के लेके जाओगे उसका खर्चा आ गया, और जो अपना किचन का सामान लेके जाओगे उसका खर्चा आ गया। तो ये सारा टोटल खर्चा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो इस तरह आप स्टडी परमिट के बारे में डिटेल में जानकारी फ्री में ले सकते हैं। तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए +1604765508। इस नंबर के ऊपर आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए 9882950। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग टाइम में बात कर सकते हैं। सो और नई नई अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।